ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। एक कहने लगा, मेरा हाथ पकड़, मैं नीचे जाके इनको जल में सरका देता हूँ, बहा देता हूँ। तो एक का ऊपर हाथ पकड़े था, वो नीचे को नीचे जा रहा था, भारी तो वो नीचे वाला भी तगड़ा था, तो उसका पैर रिपट गया क्योंकि काई लगी हुई थी। और साथ में उसका भाई हाथ पकड़ रहा था, वो भी साथ आ गया क्योंकि उसने और मजबूती से पकड़ा, जब गिरने लगा तो वो भी नीचे गिर गया। दोनों उस नहर में गिर कर डूब कर मर गए। तीसरे दिन लाश पाई उनकी। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब आज उस बूढ़े के घर में जो कैर था, शायद किसी के घर में होगा, जहाँ वो ये सोच रहा था कि जो सुख आज मुझे शायद किसी को होगा। जब तक हम उस परम पिता की शरण में नहीं ग्रहण करेंगे, शरण ग्रहण नहीं करेंगे, और जो साधनाएं हम करते हैं उससे हम मान बैठे हैं कि ये साधना से मुझे लाभ हो रहा है, कहाँ गई उसकी साधना, वो कैर टूट गया उस घर पर। तो पुण्यात्माओं, इसका समाधान केवल एकमात्र कबीर परमात्मा है, और उसकी ये सच साधना जो दास के पास है, इसके अतिरिक्त कोई कबीर साहब का नाम लेकर के अगर आपको कोई जंतर मंत्र बताता है तो व्यर्थ है, यूजलेस है। और ये मंत्र जो दास आपको देता है, ये है वो कारगर मंत्र। और इन मंत्रों को, इस साधना को यदि इस दास से प्राप्त करके कोई नीच व्यक्ति स्वयं बनकर संत इनको आगे दान करता है तो वो भी महा दुश्मन है इस मानव समाज का, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना इस ये मर्यादा है इस भगवान की, अधिकारी के बगैर ये मार्ग चलेगा नहीं। अब जैसे कोई नकली पासपोर्ट बनवा लेता है तो उसको कोई नहीं घुसने देगा उस एयरपोर्ट के अंदर, और पता लग गया सरकार ने दोनों दोषी, बनाने वाला भी और बनवाने वाला भी, और उसका काम था वो भी अधूरा रह गया, उसको सजा और मिल जाएगी साथ में। तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित हम अभी तक इन नकली संतों के फंस गए और नकली धर्म गुरुओं के फंस गए, हमने अपना जीवन नाश कर लिए, क्योंकि इनको कख भी पता नहीं भक्ति मार्ग का, ये अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं, जिनको जिनके आधार से हमें ज्ञान दिया करते थे। तो इससे आप जी को एक विश्वास होगा कि सचमुच दो साधना आप कर रहे थे और सुख भी हो रहे थे, और जब कैर टूटने लगे, जब कोई बचाव नहीं हुआ, प्रोटेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध आपको प्राप्त था, आपकी किस्मत मिल रही थी, आपके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी। और जब तक बैटरी चार्ज है इन्वर्टर की, तो आपके पंखे भी चलते नजर आएंगे, आपकी ट्यूब भी जग रही होगी, रोशनी घर में होगी, लेकिन चार्जर नहीं लगा रखा, लाइट ठीक नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप एकदम अंधेरा हो जाएगा, सब सुविधाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वो चार्जर आगे है नहीं, जिससे बैटरी में जो पावर स्टोर हो रही थी। तो इस पर अब ये जो चार्जर दिया जाएगा आप सभी पुण्यात्माओं को, और इससे आप अपनी भक्ति, इस आत्मा को चार्ज करो, आपके जो सुख समाप्त हो गए थे फिर से शुरू हो जाएंगे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु सुमरे हो अपार। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जाए, कहे कबीर गुरु रूठ गए, तो हर ना करे सहाय। अब जैसे
क्या बताते हैं परमात्मा कि जिस समय आपका राम रूठ गया, हरि रूठ गया, भगवान रुष्ट हो गया, तो कैसे लक्षण होंगे? जैसे कोई दुखी व्यक्ति होता है और उसको आपदा पर आपदाएं आ रही हैं, तो वो अपने आप कहता है कि अभी मेरा भगवान रुष्ट हो गया, मेरा राम रूस गया। और जिसके सुख दिखाई देता है उसको सभी कहते हैं कि भाई इसका भगवान राजी है, इसका परमात्मा प्रसन्न है इसके ऊपर। तो पुण्यात्माओं, जैसे परमात्मा प्रसन्न का क्या लक्षण है कि उसके पुण्य उसके साथ हैं, तो तब तक उसका भगवान खुश दिखाई देता है। और जिसके पास पुण्य नहीं है उस पर पुण्यों से दुख होता, सुख होता है, और पाप से दुख होता है। जिनके पास पुण्य नहीं है, पाप स्टार्ट हो गए, तो उनका राम रूष गया, यानी उन पर आपत्ति आनी प्रारंभ होगी। तो यहां परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी अपनी महिमा आप बताने आते हैं, वो आप आरती आप साजे आप किंगर आप बाजे आप ताल धन जनकारा आप न चाहे आप देखनारा कह कबीर ऐसी आरती गाऊं आप मध्य आप समाओ। अपनी महिमा आपने अपने बच्चों को वो स्वयं बताने आते हैं, क्योंकि भगवान की महिमा ना भगवान न बता सके, जीव कैसे बता सकता है? ठीक है, उसके बताने के बाद हमारे जैसे जीवों का भी परमात्मा ने दया करी जीवों पर कि हम उनकी द्वारा दी गई बुद्धि से उसके बच्चों तक ये संदेश उसका एज इट इज भेज रहे हैं। अब क्या बताते हैं कि जब आपका राम रूस गया तो आपके पुण्य समाप्त हो गए, आपत्ति स्टार्ट होगी, दुख पर दुख आने लगे। तो परमात्मा कहते हैं कि उसका समाधान क्या है? जैसे आप कोई एक गढ़ा पानी का बर्क है या एक बोतल पानी की बर्क है और सफर में जा रहे हो या कहीं खेतों में काम कर रहे हो, कोई मजदूरी कर रहे हो, और वो गढ़े का जो पानी आपका जल समाप्त हो गया, जब तक जल था तो नो प्रॉब्लम, जब जल समाप्त हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम, प्यास से प्राण निकलने को हुए, तो उस आपत्ति आ गई आपके ऊपर, क्योंकि आपके घड़े का जल समाप्त हो गया। वो कहाँ मिला? हैंडपंप पर जाइए, हैंडपंप पर जाइए और फिर वो जल का मटका घड़ा फिर भर लाइए, फिर सुख शुरू हो गए, वो आपत्ति फिर टल गई आपकी। तो यहां परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद मिलाए। एक तरफ तो हैंडपंप खड़ा है, हैंडपंप है एक तरफ, एक मटके में जल है, घड़े में, जग में। तो परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि इन दोनों में से आप किसको सेलेक्ट करोगे? घड़े को, घड़े में जो 10-20 लीटर पानी है जग में, और एक तरफ हैंडपंप खड़ा लगा है, आप इन दोनों में से किसको चाहोगे? बुद्धिमान व्यक्ति हैंडपंप को चाहेगा, क्योंकि हैंडपंप से चाहे 100 घड़े भर ले और घड़े में जल है वो 10 किलो 20 लीटर, ये 2 घंटे में, एक दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ बताते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े। आप जो समझते हो कि जो सुख ही आप सुख मानते हो, वो सुख कहाँ है? उस गुरु जी के माध्यम से प्राप्त होगा आपको। अब जल तो समझ लो भगवान है और हैंडपंप गुरु जी है। तो परमात्मा आपसे पूछते हैं और आप ही जवाब देते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, एक मटके में जल और एक हैंडपंप, अब काके लागू पाए, आप पे उतर देते हैं बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिलाए। तो पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत पर्याप्त होता है, बहुत होता है, क्योंकि जो दुख आप पर आ गए और गुरु रूपी हैंडपंप के अंदर वो शक्ति गॉड परमात्मा वाली विद्यमान है जो आपने सुख देगी, तो गुरु जी के पास आइए और
उन सुखों को फिर प्राप्त कर लीजिए जो आपके समाप्त हो गए थे। तो यहाँ आने से आपके वो जग, आपके गड़े फिर से भर दिए जाएंगे इस सत साधना और आशीर्वाद के द्वारा। अपना आत्माओं, देखो आपको यहाँ आने से कितना पुण्य मिलता है और आप कितने खाली हो चुके हो पुण्यों से। आशीर्वाद दिया जाता है, आशीर्वाद आपको एक एक्स्ट्रा ऐड होती है उस गॉड की, इस दास यानी उसके गुरु रूप में रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से वो आपको एक्स्ट्रा राहत दी जाती है ताकि आप फिर अपने आप भक्ति साधना करके अपने पैरों पर खड़े हो, खुद साधना करो। ये समझ लो आपको सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे गवर्नमेंट कई जगह 80% सब्सिडी दे देती है। 1,00,000 रुपया लोन ले लिया, काम करो भाई अपना, 80% सब्सिडी यानी माफ़ कर दी, 20% रह गया। और जो नालायक उसने भी नहीं दे सकता, उससे भी नहीं कर, तो वो करता नहीं व्यवसाय, वो बकवास कर रहा है। तो इस प्रकार आपको यहाँ आने से जो आशीर्वाद दिया जाता है तो ये तो समझो आपको सब्सिडी दी जाता ना, आपको इस ये तो फ्री में दे दिया। फिर आपने साधना करनी पड़ेगी, वो फिर साथ में मंत्र मजदूरी दी जाती है कि अपनी कमाई करो, अपने भर लो फिर से बैंक बैलेंस बनाओ भक्ति का जो आप खाली कर चुके हो। और ये बैंक बैलेंस इस सत साधना से बनेगा, इसकी थोड़ी ही भक्ति से घनी कमाई होती है। ऐसा व्यवसाय दिया जाता है, जैसे एक मजदूर सारा दिन में 150-200 रुपये प्राप्त करता है, सारा दिन कस्सी बजाता है, और एक ऐसा व्यवसाय कर रहा है जो प्रतिदिन 1,00,000 रुपये का गल्ला इकट्ठा उठाता है। तो दोनों ही मनुष्य हैं, दोनों ही कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कितना लाभ उठा रहा है, उसके पास कितना है। तो ऐसी साधना है ये जो आप प्रतिदिन 1,00,000 का गल्ला उठाओगे, 1,00,000 रुपये। ये तो एक एग्जाम्पल है, ये ऐसी साधना आपको दी जाएगी। पूरे विश्व के प्राणी भी इससे ऐसे ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पूरे विश्व के, क्योंकि ये जो यहाँ तो आपने मजदूरी करनी है और इस मजदूरी का बेनिफिट मिलेगा वहाँ, वो साहूकार देगा इसका बदले में आपको सतलोक में बैठा जो सत्य पुरुष, और वहाँ हम जाएंगे, वहाँ आपकी ऐसी ही सृष्टि होगी। आप अपने बच्चों को, अपने पोते और पोतियों को परमात्मा से जोड़ दो। अब जैसे आपके लायक बेटा बेटी हैं और लायक आपके पोता पोती हैं, और आपको कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, कितने प्यारे लगते हैं, कैसे इनके साथ घुल मिल कर रहते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें इनमें रहोगे कितने दिन, जो आपको मूर्ख बनाकर रखा हुआ यहाँ पर काल ने, 1 सेकंड में पता नहीं क्या बिजली गिर जा। और इस सत्य ज्ञान के अभाव से हम इन्हीं में उलझ पुलझ कर यहीं पर फंस जाते, और फिर अपने अपने ये संस्कार पूरे किए, आज दादाजी मनमान अगले दिन में नाइजीरिया में पैदा हो जा, और पोता हो जा अमरीका में, या फिर दूसरा ये है दादा की जगह गधा बन रहा और पोता बन जा कुत्ता। तो अगले जन्म में तो नहीं रही ये ठाठ, ही सजन्म में बिखर लेंगे आपके, धीरे धीरे सभी चले जाते हो, कभी बेटा मर गया, कोई पोता मर गया, कभी पोती मर गई, माँ मर गई, किसी का बाप मर गया, तो यही बिजली गिरनी शुरू हो जाती है और हम कितने खुश हैं। तो परमात्मा ने बताया कि ये एज इट इज व्यवस्था आपकी ऊपर होगी, आपके घर खाली पड़े हैं जहां आप रहा करते थे, आप वहां गलती करके यहाँ गिर गए हो। अब वो आपके समझ में नहीं आती क्योंकि आप इस व्यवस्था में फाइनल हो चुके हो, इसको फाइनल मान चुके हो कि ऐसा ही होता है सबके साथ। नहीं, अब इससे आपका बुद्धि का सतर उत्तिष्ठ होगा, उठेगा, उभरेगा, इस ज्ञान से आपको यहाँ का ये नरक दिखाई देगा जिसको आप स्वर्ग समझ बैठे थे, सुख मान बैठे थे। अब जैसे बहुत से उदाहरण हैं, एक ये पोलैंड देश का एक पूरा का पूरा कैबिनेट
कैबिनेट माने मंत्रिमंडल, यानी जिसमें 95 मंत्री प्रधानमंत्री थे, और सारे के सारे जहाज में बैठ के किसी का शोक व्यक्त करने जा थे किसी की मृत्यु के ऊपर, और उनका वो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वो सारे के सारे मर गए एक ही सेकंड में। अब ये 2 साल पहले की बात है, सन 2011 में। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का, ये काल का आहार है सारा, और कुछ मुख में कुछ गोद। अब उनकी कितनी कितनी हवा में उड़ रहे थे वो, प्रत्येक आदमी ऐसे ही रहता है। एक छोटा सा व्यवसाय करने वाला ही फूला नहीं समाता, वो तो प्रधानमंत्री सत्र मंत्री सत्र के आदमी थे, तो उनकी कितनी इच्छाएं थी, ये कर देंगे, वापस आएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अब खाक करेंगे। अब कोई बिल्ली बिल्ली बनकर घूम रहा, कोई कुत्ता बनकर घूम रहा होगा, कोई गधा बन गया होगा, कोई किता और दुर्गति में गंदी नाली का कीड़ा बनेंगे। तो अभी तक हमें पता नहीं था कि इसका कोई विकल्प है, कोई अल्टरनेट है। अब अल्टरनेट है, गारंटीड है, गॉड गिवन है, इस दास के पास प्राप्त है, कल्याण करा लो, नहीं तो इसमें विवेचन करो। ऐसे ही यहाँ बहुत से उदाहरण आप देखते हो। एक मंत्री पर, एक मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, आगे लोग उनकी स्वागत में मालाएं लिए खड़े थे, और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 3 दिन में लाश पाई उस मुख्यमंत्री जी की। अरे अब क्या बनेगा आगे का हमें पता, इस दास को पता है, परमात्मा के विधान से परिचित, अगले जन्म में गधा बनेगा, अपने पूर्व जन्म की मलाई को नाश कर लिया, आगे भक्ति की नहीं, चार्जर ठीक मिला नहीं। पुण्यात्मा होते हैं जितने मंत्री हैं या अफसर हैं, अधिकारी हैं, या कोई अच्छा जो व्यवसाय है जिसका, और या वैसे मानव श्री प्राप्त है जिनका, तो वो भक्ति के लिए भटकते रहते हैं। वो चाहते हैं भक्ति करें, और वो करते भी रहते थोड़ी बहुत, लेकिन वो साधना ठीक नहीं, शास्त्र विधि को त्याग कर दो, मनमाना आचरण करते। जैसा आपको रोहतक के एक परिवार का उदाहरण दिया, वो जब तक साधना उनकी, वो साधना कर रहे थे, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे थे। वो नकली गुरु था जो उनसे क्रियाएँ करा रहा था, और उनको ये भ्रम था कि तुम इन गुरु जी के द्वारा बताई गई साधनाओं से आप सुखी हैं। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको पता चलेगा कि वो उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध थे, वो पूर्व जन्म के संस्कारों से बनी किस्मत में लेख थे, उनको वो मिटा नहीं सके वो गुरु और उनकी साधनाएं। और ये सत्पुरुष कबीर भगवान की साधना इस दास के पास है, इससे कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली हो मृत्यु हो वह कांटे में टल जा। जय मस्तिष्क में सूढ़ी हो तो वह कांटे में टल जा, यानी थोड़ी बहुत, जैसे किसी की मृत्यु होनी हो और टांग टूट गई दुर्घटना में, सारे न बचाव रह गया, टांग तो जुड़ जाएगी 6 महीने में, और जीवन कैसे मिले। तो इस परमात्मा की शरण में आने से आपके परिवार की रक्षा होगी। आप यहाँ भी सुख चाहते हो तो यही देगा आपको, ये सुख सागर है, ये पूर्ण परमात्मा है। और फिर यहाँ से जब आप जाओगे सतलोक में जाओगे, वहाँ आपके बहुत बड़े बड़े महल, सुंदर महल यूँ के यूँ रखे खड़े हैं, वो खाली पड़े हैं, आप अपनी अज्ञानता से और यहाँ आ गए हो, जिसके विषय में हम आपको बताते भी रहते हैं। सृष्टि रचना से आपको ज्ञान होगा, सृष्टि रचना की दास ने सीडी ये प्रवचन कर रखे हैं, उनकी सीडी उपलब्ध है, और पुस्तकों में भी भक्तों ने बना रखी हैं, वो आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। तो कहने का भाव ये है कि जो साधना हम शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण करते हैं, तो वहाँ पर अपने सतलोक के अंदर आपके सारे परिवार यानी पूरे महल हैं, बहुत सुविधाएं हैं। जैसे आप यहाँ क्या देखते हो, जरा सा भी व्यक्ति रोजी रोटी से जिसकी सुविधा उभर जाती है, जैसे आम गरीब निर्धन व्यक्ति तो अपना हैंड टू माउथ होता है, उसने तो अपनी चारपाई और घर की व्यवस्था मुश्किल से पूरी होती है, तो एक झोंपड़ी हो उसी को उसी में संतुष्ट है,
और जिसका थोड़ी सी पोस्ट हो जाती है, थोड़ा सा धन हो जाता है, तो वो क्या करता है, कोठी हो सुंदर, चारों तरफ चिप्स लगी हो, मार्बल लगा हो, पत्थर लगा हो, आगे लान हो बहुत बड़ा सुंदर, और उसके अंदर बगीची बनी हो चारों तरफ के, उसमें फुहारे छूट रहे हों, यह प्रत्येक की नीयत है कि जैसे इनमें मैं ठाठ लूँ, और ठाठ खाक लेगा या तो चाहे वह फुहारे भी ला ले और सारी कोठी भी बना ले और बड़ा एक फार्म भी बना ले और अंदर टेंशन 20 उसका उसमें धक्के खा फुहारे में गए तब भी चैन से नहीं रह सकता। तो ये हमारी, हमें क्यों ऐसा लाइक है, क्यों पसंद है, क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते, वहाँ हमारी सुविधाएं ऐसी हैं। इसी की नकल इस काल ने कर रखी स्वर्ग में, जो यहाँ से देवता बनकर जाते हैं उनको जैसे यहाँ अच्छे अधिकारियों को गवर्नमेंट अलॉट कर देती है कोठियाँ, तो ऐसे वहाँ अलॉट कर दिए जाते हैं आपको अलग अलग, लेकिन वहाँ पूंजी आपकी नष्ट होती है, आपका पुण्य अक्षीण होता है। तो वो सुविधाएं, उस सतलोक वाली सुविधा से स्वर्ग की तो ये समझ लो उसके तुलना में कुछ भी नहीं है, जो सतलोक में आपको सुविधा है। स्वर्ग में भी ऐसा ही है, मृत्यु होगी, पुण्य समाप्त होंगे, आप फिर यहाँ होगे। स्वर्ग के देवता भी गधे की योनि से स्टार्ट होते हैं, बताओ खा कहिए स्वर्ग का राज और क्या इस पृथ्वी का राज। तो सतलोक के अंदर आपको ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे अभी तक ये नकली पंथ कबीर साहब की वाणी चुरा के, अरे पंथ चला बैठे, कितने जीवों का नाश कर दिया, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, और ये सच्चा सौदा सरसा और जगमाल वाली पंथ, एक ये जनोद के अंदर बना हुआ है ताराचंद पंथ, ये भी उसी कुएं का जल है राधा स्वामी वालों का। तो ये क्या बताते हैं ऊपर कि प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, वहाँ पर आत्मा ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समंदर में, वहाँ और कुछ है ही नहीं। ऐसे कबीरपंथी बताते हैं भगवान निराकार है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है। एक ये जम्मू वाला थोड़ा चतुर व्यक्ति है, चतुरता दिखाई इसने, फिर बताते हैं परमात्मा कहते हैं चोर चुरावे तुम्बड़ी गाड्ड पानी में, वो गाड्ड वह ऊपर आवे न सच्चाई छ नहीं ना। रांजड़ी वाला जम्मू वाला जो मधु परमहंस है, इसने चतुरता दिखाई, कबीर साहब की वाणी में पढ़ लिया कि वहाँ परमात्मा हंस आत्मा के का शरीर 16 सूर्य जितना प्रकाश है, उसने प्रकाश प्रकाश नोट कर लिया। तो उसने एक अलग से सिद्धांत पेश कर दिया मन घड़ंत के, पहले परमात्मा ने एक शब्द उचारा, उस तो सफ़ेद प्रकाश हो गया, उस प्रकाश में फिर परम पुरुष मिल गया, फिर वो सतलोक बन गया, अमर लोक हो गया, है खाक चरा वही की वीर है, चेतन प्रकाश हो गया फिर, और आत्मा उसमें ऐसे घूमती है जैसे बिंदु टाइप में, जैसे मछली पानी में घूमती है जल में, ऐसा ऐसी स्थिति सतलोक की बता रहा है ये जम्मू वाला रांजड़ी वाला मधु परमंश। तो इनको कख भी पता नहीं, भक्ति मार्ग का इन्हें डबो दिया विश्व का विश्व। तो पुणात्मा सतलोक के अंदर ऐसी सृष्टि है, उसकी नकल कर रखी काल ने यहाँ पर, नकल डुप्लीकेट। आप देखो कोई भी व्यक्ति वृद्ध होना पसंद नहीं करता। अब एक लगभग 75 वर्ष की वृद्धा, और उसको मैंने कहा बुढ़िया चली तेरा सुन ली बात अर्जी तेरी, न बोली तेने बुढ़िया दिखू मैं, अर जाड़ ने दांत उसके, मैं कहा भाई बुढ़िया कद दिखेगी, फिर मेरे समझ में नहीं आई, मैं तो उससे ज़्यादा नहीं बोला, पर अपने मन में मैंने सोचा देख वो, मैं तो ज्ञान हो गया कि इस मन का स्वभाव है, क्योंकि ऐसे स्थान से आया है ये बूढ़ा होना पसंद नहीं करता। ऐसे ही एक रिटायर्ड मास्टर जी था, वो कहने लगा जी ऐसे ऐसे अभी नाम लिया मैंने आज ही, और मेरे ऐसी ऐसी गड़बड़ सी रहती है। मैं बोला वर्द हो गए भी, इतनी थोड़ी बहुत ठूं ठा तो हो ही जाती है। बोला अभी बूढ़ा कहाँ हुआ, 74 साल का ही तो हूँ। अच्छा भाई बूढ़ा ही कद होगा फिर। तो ये स्थिति हमारे मन की है, और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि और फिर मृत्यु क्यों होती है, जब हम कितने सुखी हैं यहाँ पर, सारा जीवन एक संपत्ति संतान को जोड़ने में, उनकी सुरक्षा में, उनके
पालन पोषण में लगा देते हैं और फिर ना संतान का भरोसा ना अपने आप का। एक सेकंड में के बिजली गिर जाए इस गंदे लोक में। तो ये इसका समाधान बताया भगवान, अभी तक विकल्प नहीं था हमारे पास। हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग माना करते थे, स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग का नहीं पता था, स्वर्ग में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन जो मेरी भक्ति करता ब्रह्म तक की, जैसे गीता अध्याय नंबर आठ के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम से याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। ये और अटपट करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, एवं नमः, ये बकवाद है सारी। ये मंत्र नहीं मोक्ष मार्ग, ये तो भांग है, समझ लो गेहूं के बीज के स्थान पर। तो ये कहता है मेरा एक ओम मंत्र है और इसका जाप करते हुए अंतिम श्वास तक जाप करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वो ब्रह्म मुझ से मिलने वाली, ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है ओम। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस पुनरावर्ती में है, उनका फिर जन्म मृत्यु होता है। गीता ज्ञानदाता 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इसे सिद्ध है कि ब्रह्म ओम नाम का जाप करने वाले ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मलोक में के बाद भी जन्म मृत्यु में आए। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता मेरे और तेरे बहुत जन्म मृत्यु हो चुकी है, तू नहीं जानता, मैं जानता। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम, शाश्वत माने सदा रहने वाला, जिसका कभी क्षय ना हो कभी नाश ना हो, वो स्थान वो सत्यलोक है। उसको संत भाषा में सत्यलोक कहते हैं, सत्य का नाश नहीं होता, अविनाशी होता सत्य, वो सत्यलोक है। किसकी शरण में चला जा? गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान गीता ज्ञानदाता से कि आप जी ने 7वें गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने डेथ मृत्यु, जो जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं यानी संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, ते ब्रह्म तत् विदु कृत्स्नम अध्यात्म अखिल च कर्मम, वो सारे अध्यात्म से और सभी कर्मों से और तत्ब्रह्म से परिचित हैं। अब गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में दो कंसेप्ट क्लियर किए हैं। एक तो ये किया है कि सचिदानंद गण ब्रह्म स्वयं आकर के वो परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बताता है, उसके अंदर उस परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि होती है, उसको तत्व ज्ञान कहा है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू उस तत्व ज्ञान को जो कंप्लीट गॉड गिवन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा दिया गया जो सच्चा ज्ञान है वो तत्व ज्ञान है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमा उस तत्व ज्ञान का बोध कराएंगे, उपदेश करेंगे। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम आश्रितः जरा मरण मोक्षाय यत माम आश्रितः यतन्ति ते,
मेरे इस मार्गदर्शन का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर लो, और वो तत्वदर्शी संत बताओगे उस तत्व ज्ञान को, जिन्होंने ये आश्रय कर लिया मेरे संकेत समझ गए, वो केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो उस तत्व ब्रह्म से और यहाँ के सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। जैसे दास आज के सत्संग में आपको वही क्लियर कर रहा है कि ऐसे कर्म करते रहे, ऐसे कर्म करने से ये लाभ होगा, ये हानि होगी, ये भक्ति करने से ये इतना लाभ होगा, जो पूर्व के संस्कार आपके प्राप्त हैं उनसे आपको ये लाभ हो रहा है, सतभक्ति ना करने से फिर वो एक ही दम आप प्राप्तियाँ आ जाती हैं। और बहुत से प्रमाण भी आपको दिए, मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, वो पूर्व जन्म के पुनों से बने हुए थे, आगे चार्जर था नहीं, आगे सतभक्ति थी नहीं, एक ही दम सब नाश हो गए, जैसे डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी इन्वर्टर की, और एक ही समय एक ही दम सब सुविधाएँ समाप्त हो जाती हैं। तो इन इस संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से सभी कर्मों से जो परिचित हो जाते हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित है, और इन कर्मों से अध्यात्म ज्ञान से वो ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। जरा माने वृद्ध अवस्था का कहर। पुणात्मा, अब आप देखते हो कोई बूढ़ा चल रहा लाठी के सहारे, कभी बैठ जाता कभी चल पड़ता रहा, आप जब युवा हो स्पीड से निकल जाते हो उसको यूँ देखते हुए, आपके कभी सपने में मना आती या दुर्गति थारी भी होगी, आपकी भी होगी। तो जब तक आपको ये ज्ञान नहीं होगा तब तक ये मन की बकवाद समाप्त नहीं होगी। इस ज्ञान से 90% लगाम डल जाएगी इस मन पापी के, जो दास आपको बताने जा रहा है, जो बेमतलब की रिश्वत खोरी, चोरी, हेरा फेरी ये करते फिरते, सारा दिन झूठ बोलते हैं एक पेट के लिए, अरे एक सेकंड का भरोसा नहीं कहाँ बिजली गिर जाए। और जब हम इस परम पिता की शरण में आ जाएंगे, आपको चार्जर मिल जाएगा, हैंडपम्प मिल जाएगा, कितना जल भर लो दूसरे का क्यों चराओ, तो अपना भरो ठाठ कर, कितना ठोक लियो मटके भर कर धर लियो सपेर। तो हम अविधिवत चलने से चोर उचक्के बन गए, और शास्त्र अनुकूल साधना करने से आपको यहाँ भी सुख देगा और वहाँ पहुँचावेगा आपको, जो गीता ज्ञान दाता बता रहा है। अब बताएंगे आगे। अब गीता ज्ञान दाता बता रहा है कि जो मेरा इस ज्ञान को आश्रय कर लेते हैं, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, उससे फिर उस तत्ब्रह्म की जानकारी हो जाती है, तत्ब्रह्म उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परमात्मा की जिसमें 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता कह रहा है, उसकी जानकारी होती है, और सभी कर्मों से परिचित हो जाते हैं, और सभी अध्यात्म कंप्लीट सम्प्रूचुअल नॉलेज से वो परिचित हो जाते हैं। तो केवल वो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। जैसे बाप दास ने उदाहरण दिया कि एक बुढ़िया 80 साल की, 75-80 वर्ष की, और मुँह में दांत नहीं, और उसको मैंने कह दिया बुढ़िया पीछे हो, दूसरी को आने दे, ये बहनों को ने बोले इतने बुढ़ी दिखूँ मैं, वो तेरा गजब हो, 80 साल की जाड़ नहीं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम वृद्ध होना कति लायक नहीं करते और न ही हम मृत्यु पसंद करते, और ये दोनों डेफिनेटली होंगे, मृत्यु भी होगी और वृद्ध भी होगे। तो पुण्यात्मा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे गीता ज्ञान दाता से कि हे पुरुषोत्तम, क्योंकि उसको पुरुषोत्तम मान रहा था, वो श्री कृष्ण मान रहा था कि श्री कृष्ण ये ज्ञान दे रहा है, लेकिन श्री कृष्ण के अंदर यूँ काल बोल रहा था गीता ज्ञानदाता। उसने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। तो उसने पूछा कि वो तत्ब्रह्म क्या है जिसको जानकर, और क्या वो अध्यात्म ज्ञान है, उसके विषय में गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहता है, श्लोक में, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो भगवान, जो सर्व सुखदायी है, सर्व पाप नाशक है, और जो शाश्वत स्थान प्रदान कराने वाला है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा।
उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब गीता ज्ञानदाता ने तो आठवें अध्याय के 13वें श्लोक में अपनी साधना बता दी कि मेरा एक मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण मा मनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। अब उसने स्पष्ट कर दिया कि मेरा तो एक ओम मंत्र है मुझ ब्रह्म का, और ओम से क्या मिलता है ब्रह्म लोक। आठवें अध्याय के 16वें श्लोक में बता दिया कि ब्रह्म लोक पर्यंत ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म के अंदर हैं, वो शाश्वत स्थान नहीं हुआ, जहाँ जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि अर्जुन ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ जो मूल है वो तो परम अक्षर ब्रह्म समझो, वो तो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सर्व भाग बता देगा, सब विभाग बता देगा, पार्ट्स ऑफ द ट्री, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उसकी पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद बता देगा, सब विभाग बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। जब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी आदरणीय, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी आदरणीय स्वामी रामानंद जी को सचखंड लेकर गए थे, फिर उनको वापस छोड़ा था, तब कहा था दोहु ठोर है एक तू भया एक से दो, और रामानंद के हम कारणे तुम आए हो मगजो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही साहेब हो, परमात्मा हो, तुम ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान मालिक आपके पास ही है, इस विश्व में किसी के पास सच्चा ज्ञान नहीं है, आप सतगुरु हो। तुम साहेब तुम संत हो, एक संत, संत माने सीधा, संत सोए दो सीधा चाले, सब बकवादें छोड़ दे, यहाँ की सब बुराइयों से हट करके अपना जैसे मालिक दे उसमें विश्वास, उसी में गुजारा करे, संत सोए दो सीधा चाले। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, यानी सब बुराइयों से बचे हुए एक सच्चे हंस, सच्चे भक्त भी आप ही ने भूमिका की है। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीब दास तेरे रूप बिना और ने दूजा हंस। तो उस सतगुरु रूप में आए हुए 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने ये तत्व ज्ञान बताया था उस परम अक्षर ब्रह्म ने। वो काशी के अंदर जो धारक रूप में रहे थे, दुल्हाय रूप में, वो परम अक्षर ब्रह्म थे और आज भी हैं। वो हमारे को ज्ञान देने आए थे, हमारे को एक ट्रायल देने आए थे कि संसार में गणे धन की जरूरत नहीं है, जो घना इकट्ठा करता हो महामूर्ख है। कबीर साहब कहते हैं परमात्मा आपको दे जो आपके प्रारंभ में आपकी किस्मत में है, सहर स्वीकार करो, लेकिन उसको दुरुपयोग ना करो, बीड़ी शराब मास्तमाखू अरे तोचले बनाने पर, नाचने और गाने पर, ब्याह के अंदर बकवाद करने पर, ये दुरुपयोग है तुम्हारा, इसको या तो दान करो और अपना सीमित सा अपना धंधा करो जो भगवान में बाधक ना बने। तो यहाँ परमात्मा ने रहकर दिखाया था कि टोटे में भक्ति करे, सोए सही सपूत, और ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। तो परमात्मा ने बताया कि वो एक रिहर्सल करके दिखाई, दाता ने एक रोल किया कि भगत को इतना पर्याप्त है, घर तो 3.5 हाथ गणाते पौने 4, कह कबीर जो घना चावे उसको नहीं विचार। फिर भी भगवान जो आपको दे रखा है उसमें संतुष्टि रखे है, और केवल माया की ही डिमांड भगवान से नहीं करे। परमात्मा कोई बालक नहीं है, डॉक्टर के पास आप चले जाते हो, अब डॉक्टर को तो सारा पता है मरीज का, जब उसके दाखिल हो गया वो एडमिट हो गया, अब मरीज अपना दर्द तो बता सके है, लेकिन डॉक्टर ने कौन सा इलाज पहले करना है वो तो डॉक्टर जानता है। अब जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर के पास चले गए,
आपका रक्त बह रहा है, ब्लड निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उधर से आपकी टांग में पीड़ा हो रही है, तो वो डॉक्टर आप बेशक चिल्ला रहे होंगे लेकिन पहले ब्लड को रोकेगा कि ब्लड बह गया तो ये मर जाएगा या टांग की चीज तो फिर बंद कर दूंगा, तो पहले वो ब्लड बंद करेगा ताकि आपका जीवन नाश ना हो, वह दर्द फिर हो जाए खत्म। तो इसी प्रकार आप जी यहाँ आते हो एक परमात्मा के हॉस्पिटल में आ गए, वह आपके सारे दुख दूर होंगे। इब आपने टारगेट बना रखा है मेरा ये काम हो, बस ये हो, और भगवान ने ये पता कि इसकी जान जाने वाली है, 10 दिन के बाद इसका जीवन नहीं है, तो आपकी एज एक्सटेंड करेगा, उम्र एक्सटेंड करने के लिए जो आपको ऐड दे रहा है वो काम आपका भले ही ना हो रहा है लेकिन आपको जीवन दान दे करके वो 100 सुख देगा फिर आगे चल के। और डॉक्टर मरीज ये कहे मेरे टांग में पीड़ा, तू कैसा डॉक्टर है, मुझे दर्द ही नहीं ठीक हो रहा, लेकिन डॉक्टर को पता है कि इसका ब्लड रोकना ज़रूरी है, तो डॉक्टर वही काम करेगा जो आपके हित में होगा, आपकी नहीं मानेगा पहले, वो उसको मालूम है कि आप चिल्ला रहे हो, उसको मालूम है कि इसमें ऐसी पीड़ा होगी लेकिन ये घातक नहीं है। तो छोटे मोटे जो कष्ट आपको यहाँ आने पर भी हो रहे हैं, जैसे कई तो ऐसे हाथी ठीक हो जाते हैं, कुछ एक को अभी वो राहत नहीं मिल रही है जो वो डिमांड लेकर आते हैं, उसका कारण क्या है कि आपका जीवन नाश होने वाला होगा निकट भविष्य में, और परमात्मा आपको एक्सटेंड करेंगे, पहले वो ठीक करेंगे आपका, फिर आप पे सारा सुख होता चला जाएगा, जीवन भी मिलेगा, भक्ति भी होगी, सारा सुख भी यहाँ का जो चाहिए वो भी देगा। तो प्रसंग चल रहा है कि हम गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में ये स्पष्ट किया है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला, यानी ज्ञान युक्त है, वो तत्व ज्ञान युक्त है, तो वो ज्ञान स्वयं भगवान ने बोला करके 600 वर्ष पहले, जिसको हम एक जुल्हा एक धान कहा करते थे, पुण्यात्मा ये आपके पिता हैं, पूरे विश्व के सभी आत्माओं के हमदर्द हैं, हमारे लिए ये कैसे वेशभूषा में यहाँ रहा करते थे और कैसा रोल करते थे और पूरे ब्रह्मांडों का संचालन भी वो एक झोंपड़ी में बैठकर किया करते थे, उसकी समर्थता से जब आप परिचित होंगे तब आपको पता चलेगा सचमुच हम भगवान को छोड़कर अन्य की जो साधना कर रहे थे वो मोक्षदायक भी नहीं थी, सुखदायक भी नहीं थी। तो क्या बताया परमात्मा ने, अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देता, उसको पूरे सभी विभाग सहित उसको पेड़ बोलते हैं, ट्री बोलते हैं, वृक्ष कहते हैं, दरखत कहते हैं, रूख कहते हैं, और उसकी जो नीचे का जो हिस्सा है जड़, वो प्रोक्ष है, वो गुप्त है। तो इसको उल्टा कर लीजिए, ऊपर को जो जड़ है वो संसार रूपी वृक्ष की, तो वो जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा है, और उस पूर्ण परमात्मा ने आके बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वाकी डार ज्योत निरंजन जिसके वो कहते हैं सरपुरुष, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ये देखिएगा एक संसार रूपी वृक्ष का चित्र दिखाते हैं, ये पृथ्वी से बाहर जो दिखता है समझो, ये जो इतना है ये देखिएगा, ये स्थिति है वृक्ष की, पेड़ की। परमात्मा ने खुद बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये सारा एक पेड़ है, और इसका तना जो है ये अक्षर पुरुष है, और सरपुरुष या की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। आप जी यहाँ पर हैं नीचे, और ये अक्षर पुरुष है, ये तना है, ये अक्षर पुरुष तो समझो एक तना है ये इस पेड़ का, और इससे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष है, ये सरपुरुष है जिसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म, और ये तीनों देवा, इसके तीन पुत्र हैं, इसकी तीन शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और पात रूप संसार। अब ये तो उस परम पिता ने आके बता दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और निरंजन वाकी डार, ये सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो ये जड़ कौन है ये बताने के लिए दास को भेजा है कि ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है,
इस संसार रूपी वृक्ष की। और वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहारे। ये हो परम अक्षर ब्रह्म अपने आत्मा। उस परमात्मा ने स्वयं आकर बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि जो संत, जो व्यक्ति संसार रूपी वृक्ष के इन सभी पार्ट्स को बता देगा, संत को बता देगा, सह वेदवित तो तत्वदर्शी संत। उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4th श्लोक में कहा उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उस तत्व ज्ञान से। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 का निष्कर्ष दास बताने जा रहा है। 3rd में कहा है कि उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काटकर समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की ये प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करना और की नहीं, अपनी भी भक्ति को मना करता है, तुझे मोक्ष चाहिए, वहां जाना चाहता है, जहां जाने के बाद लौटकर साधक फिर संसार में कभी नहीं आते, उसके विषय में कहता है फिर तो उसी की भक्ति करनी है और को इष्ट रूप में नहीं मानना। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता और जयदयाल गोविंद का द्वारा इसका अनुवाद है। इसके 15वें अध्याय पर चलते हैं, यह है अथ पंथ दसो अध्याय 15वां अध्याय। इसमें कहा है श्री भगवान वाच, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वथम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इन्होंने अनुवाद ठीक नहीं करना आया, ये तो ठीक लिखा है ना, आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो ऊपर को जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को शाखा लिखना था, वो आदि पुरुष परमेश्वर है, और अध शाखम नीचे को शाखा वाला, ये गलत लिखा है, पर मां रूप मुख्य शाखा वाले नहीं। ये देखो दूसरे मंत्र में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 में अध्यय और अध्यय दो बार आए हैं, इन्होंने इसका अनुवाद यहाँ किया है, अध्यय माने नीचे, अध्यय माने नीचे, बिल्कुल ठीक है, अध्यय माने नीचे, अध्यय माने नीचे। तो यहाँ ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, यहाँ देखो हम ही नीचे देख लेंगे, प्रथम अध्याय में 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला मूल जड़, और अध शाखम नीचे को शाखा वाला, एक आम बालक भी समझ जाए इस ज्ञान से। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, छंद, छंद वेद नहीं होते, छंद माने इसके विभाग जिसके पत्ते आदि कहे गए हैं। और तम वेद, तम यह वेद जिसको, उस संसार रूपी वृक्ष को जो अंधकार रूप में छुपा हुआ है, ज्ञान रूप में जिसको समझ नहीं सके, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर और पत्तों तक तत्व से जानता है, सवेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। अब यहाँ देखो अपंद्रमे अध्याय का हमने इसमें सारा बता रखा है। 3rd में क्या कहा है कि अब हम इसको सारे सुना देते हैं आपको। ये 2rd में क्या कहा है कि उस संसार वर्ष की तीनों गुण रूप, तीनों गुण माने रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, रूप जल से बढ़ाई हुई नहीं, ये शाखाएं हैं, शाखा हैं, विश्व प्रवाला शाखा हैं, विषय विकारों वाली ये शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, अध नीचे और ऊपर फैली हुई है। ये नीचे माने जैसे यो गीता का ज्ञान पृथ्वी पर बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग, नीचे पाताल, ऊपर और नीचे फैली हुई है, क्योंकि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी एक एक गुण
युक्त हैं, एक एक विभाग के मंत्री हैं, इनका प्रभाव इन तीनों ही लोकों पर है, पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर। इससे अन्य जो स्थान हैं, जो ब्रह्म लोक है वो अलग स्थान है, वहाँ पर ये काल भी तीन ही रूप धारण करके रखता है, उसमें भी तीनों ही गुण अपने विद्यमान रखता है। वो ऊपर के लोकों के लोग उससे प्रभावित होते हैं, इनका केवल यहीं तक सीमा है। अब देखो ऊपर और नीचे फैली हुई, और मनुष्य लोक में इस संसार में कर्मों के अनुसार बांधने वाली ये भी मुख्य मूलानी मुख्य कारण हैं, नीचे और ऊपर फैली हुई है, नीचे और ऊपर। अब तीसरे में कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में गीता ज्ञानदाता कहता कि जैसा इसके बारे में सुना है उसको पूर्ण रूप से मैं तेरे को नहीं बता पाऊँगा इस गीता जी के डिस्कशन में। वैसा इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, क्योंकि गीता ज्ञानदाता कहता है कि क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है, यानी परिचित नहीं है उससे, इसलिए इस अहमता इस सुविरुद्ध मूलम इस दृढ़। अब जैसे संसार रूपी वृक्ष का ऊपर को जड़ जो स्थान है वो सतलोक अलखलोक अगमलोक अकहलोक, ऊपर का जो पोर्शन है सारे तीन चारों लोक वो अविनाशी स्थान है, इसलिए सुदृढ़ मूल कहा, वो मूल जो है वो अविनाशी है, वो शाश्वत है। तो उस संसार रूपी वृक्ष के उस दृढ़ रूपी मूल वाले यानी जो कभी नाशमा नहीं आता वो जड़ रूपी स्थान, वो भगवान समझो, स्थान और भगवान, यानी वहाँ का लोक भी अविनाशी, वहाँ का भगवान भी अविनाशी, वहाँ के गए हुए प्राणी भी अविनाशी। ये देखो सुविरुद्ध मूलम उस अहमता ममता नहीं, उस अति दृढ़ मूल वाले यानी उस अविनाशी मूल स्थान जड़ रूपी स्थान वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रेण छित्वा, इन्होंने यहाँ गलत कर दिया, वैराग रूप शस्त्र द्वारा नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर उसको समझ कर, उसके बाद चौथे श्लोक में कहा है, पंद्रहवें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है, ये चौथा पंद्रहवा अध्याय चल रहा है, पंद्रहवा अध्याय यहाँ हमारे चौथा श्लोक पढ़ रहे हैं, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उनका जन्म मरण फिर नहीं होता, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी आदि संसार रूपी वृक्ष की यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ ऐसा निश्चय करके उस परमेश्वर का ही मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी भक्ति करने से तुझे वो शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता, उसके लिए गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता ने संकेत दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना के तीन मंत्र हैं उसके पाने के, ओम तत्सत इति निर्देश से ब्रह्मणे त्रिविद समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के को पाने का, उसके सत भक्ति करने का केवल ती ओम तत्सत ये तीन मंत्र का निर्देश है, निर्देश माने नथिंग एल्स, फाइनल फैसला, उसके अतिरिक्त अग्रम मग्रम समाप्त, ये निर्देश है, डायरेक्शन है, आदेश भी है और ये राय भी है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, उस प्रमुख सर्वब्रह्म को, उस सुख स्थान को पाने का ये तीन मंत्र की मजदूरी है, स्मरण है इसका तीन मंत्र का। ओम तत् सर्वपुरुष का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष बताए, एक सर्वपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म। तो आपको पूरा डिटेल बताई दी है, पूरा उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की, तो परम अक्षर ब्रह्म तो उसकी जड़ समझो, मूल है जो सबका धारण पोषण करता है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि दो पुरुष हैं, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष,
और ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो गधे कुत्ते की भी नहीं मरती। फिर पंद्रहवें अध्याय के सत्रहवें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य पुरुषोत्तम, सही भगवान तो इन दोनों से सर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अविनाशी परमेश्वर है। यानी संसार रूपी यानी वृक्ष की का धारण पोषण किससे होता है? मूल से होता है, जड़ से होता है, और जड़ वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो परम अक्षर ब्रह्म वो कबीर भगवान जो है वो सबका धारण पोषण करने वाला वही है। तो यहाँ क्या बताया है कि उस ओम तत्सत, ओम तो है ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक कोडवर्ड हैं। ये तत् इस सर्वपुरुष का अक्षर पुरुष का मंत्र है, तत् तो है सर्वपुरुष का ब्रह्म का, और नहीं ओम जो है ओम तो मंत्र है ब्रह्म का जिसको सर्वपुरुष कहते हैं, और तत् है ये अक्षर पुरुष का जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म परब्रह्म दूसरा। और तीसरा जो मंत्र है सत्य वो परम अक्षर ब्रह्म का है, वो परम अक्षर पुरुष का है। तो ये तीनों मंत्र इस दास के पास उपलब्ध हैं, इन तीनों मंत्रों की मजदूरी करनी है, इसकी साधना करनी है। कोई अभी तक ये मार क्यों खाते रहे कबीर पंथी, ये इन मंत्रों का जाप नहीं करते थे जो दास आपको प्रथम बार देता है। ये कहते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं हैं, हम क्यों करें, हम तो सतपुरुष की साधना करेंगे। ऐसे ही ये बात बिगड़ी रही, अरे ये साधना नहीं, ये तो यहाँ के मालिक हैं। बताओ हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं और वहाँ के तहसीलदार या वहाँ के SHO या किसी और से खसे और उनका जो टैक्स जो भी उनका है वो नहीं दें तो हमें लाभ कैसे मिलेगा? मजदूरी जैसे हमने बिजली वालों से ले रखा है, बिजली ले ली बिजली विभाग से, टेलीफोन ले लिया टेलीफोन विभाग से, अजय उनका कर्जा उसको देंगे नहीं, टैक्स उनका रेंट नहीं देंगे तो वो सुविधा बंद कर देंगे हमारी, इसमें के एहसान किया। तो हम मजदूरी कर रहे हैं यहाँ की सुविधा प्राप्त करने के लिए, और कुछ धन डिपॉजिट कर रहे हैं जो हमें आगे अपने स्वलोक जाने के लिए। तो ये इनकी पूजा नहीं है, हम कोई बैंक से किसी से जैसे टेलीफोन वालों से टेलीफोन सुविधा ले रखी है, मोबाइल फोन ले लिया तो उनसे हम अपनी जो मजदूरी करके उनको दे रहे हैं उनका किराया रेंट उसका बिल भर रहे हैं, तो वो उनकी पूजा नहीं करे, वो हमें आवश्यकता है इसलिए उनसे और उनसे मेल रखना भी हमारे सभ्यता शिष्टाचार है। तो ये सभी ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक यहाँ के अधिकारी हैं, ये इनके सत्र का जो लाभ है यही देंगे उसको, और उसकी विधि बताई है कि इनका ये ऐसे ऐसे आपने ये बिल भरना पड़ेगा, इसकी मजदूरी ये है, इस मजदूरी से वहाँ आपको ऑटोमेटिक कनेक्शन मिला रहेगा, ऐसा सिस्टम भगवान का। तो यहाँ ओम तत्सत ये तीन इन पुरुषों की भक्ति है, सर्वपुरुष अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष की। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परमात्मा की शरण में जा जिसके तीन मंत्र की भक्ति है, सचिदानंद घन ब्रह्म के पाणे की केवल तीन मंत्र का निर्देश है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना बताता कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती, जहाँ युद्ध है वहाँ शांति खाक है। तो कहता है तूने युद्ध करना पड़ेगा, यदि तुझे परम शांति चाहिए तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण का मंत्र बता दिया 15वें अध्याय के 23वें श्लोक में, और अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आता। तो वहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, धन है आपके माता पिता जिन से जन्म हुआ, ऐसे समय में अपना कल्याण कराओ, भक्ति करो और मोक्ष पाओ। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।